हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है सुपर क्रैश कोर्स वीडियो सीरीज स्टैटिक्स पोर्शन पे। यह हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज का टॉपिक है टैबुलेशन एंड कंपिलेशन ऑफ डेटा। ये वीडियो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताता हूँ, बल्कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एंड इस वीडियो के एंड पे आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जेएसए एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड आए थे। ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं? बताओ, हम डेटा को क्लासिफाई क्यों करते हैं? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। बिल्कुल, जो हमारे पास रॉ डेटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू एनहांस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हमें जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि रॉ डाटा को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब हम उसको क्लासिफाई करेंगे वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, इसका मतलब ये हुआ ऑल ऑफ द एबो आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, टैबुलेशन में कैप्शन क्या होता है? नाउ कैप्शन ये होता है हमारे पास जो कॉलम का हेड हो ना, इसी को हम कैप्शन कहते हैं, ठीक है। एंड स्टब क्या होता है? ये रो की हेडिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल, बिल्कुल अपर पार्ट है, दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। अब देखो ये क्या डिस्क्राइब करता है? कॉलम एंड इसके जो आगे सब कॉलम्स हैं, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टब ऑफ अ टेबल इज द, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टब क्या होता है। स्टब हमारे पास रो की हेडिंग होती है, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से, यानी राइट वाले यहीं पे कैंसिल हो गए। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स, नहीं, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज। नाउ ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट होता है, एंटायर पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? क्या हम कैप्शन कहते हैं? नहीं, क्योंकि कैप्शन सिर्फ इतना वाला पोर्शन है। क्या हम स्टब कहते हैं? नहीं, सिर्फ इतना वाला पोर्शन है। क्या हम इसको बॉक्स हेड कहते हैं या बॉडी कहते हैं? नाउ ये वाला पोर्शन हो गया बॉडी वाला पोर्शन, एंड इसको हम फिर क्या कहेंगे? बॉक्स हेड, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द, यह हमारे पास टेबल है। यहां पे अगर लेट अस सपोज दैट हमने कोई डेटा लिया, यहां से कोई डेटा लिया, अब ये डेटा कौन से सोर्स से लिया वो हम कहां पे लिखते हैं? वो हम यहां पे लिखते हैं, यानी फुट नोट। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ टेबल। नाउ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इनमें से हमारे पास कौन सी टाइप है टेबल की? सबसे पहले हमारे पास टेबल, फिर हम टेबल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे जर्नल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस टेबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिनल, इसी को हम प्राइमरी टेबल कहते हैं, या डिराइव्ड, इसी को हम सेकेंडरी टेबल कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारे पास क्या हो सकता है? सिंपल टेबल, या हम इसको कहते हैं वन वे टेबल, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, अभी हमारे पास वन वे है तो कॉम्प्लेक्स टेबल क्या हो सकता है? टू
टू वे हो सकता है, थ्री वे हो सकता है, या हायर ऑर्डर टेबल हो सकता है जहां पे हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है, तो सिंपल टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स सच एज सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड डैश डैश क्लासिफिकेशन। नाउ जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी, इसको हम कौन सी क्लासिफिकेशन कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पहले हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज। क्वालिटीज इन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लिटरेसी, या नेशनलिटी, फिजिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए होंगे हमारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी क्वालिटीज के बेसिस पे। फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम्स है, ठीक है, डिस्टेंस है, एंड सो ऑन। फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इसमें हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा लिया, फिर हमने 2009 का यहां से लिखा, 2008 का यहां से लिखा, यानी टाइम के बेसिस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक। फिर स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जैसे आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का लिखोगे डेटा, फिर श्रीनगर का, फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट का, यानी आपने लोकेशन के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई किया, ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन आर, यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ इन जनरल, अगर हम जनरली बात करेंगे, जो हमारे पास टेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लासिफाई होता है। देखो हमारे पास एक टेबल है, हम टेबल कैसे बनाएंगे, या तो हम उसमें एक कॉलम रखेंगे या एक से ज्यादा रखेंगे। एक कॉलम रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल टैबुलेशन या वन वे टैबुलेशन, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन, जिसमें टू वे हो सकता है, थ्री वे हो सकता है, या मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, टू, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस टेबल इज आल्सो रेफर्ड टू एज, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पर्पस एंड बाकी टेबल क्या होते हैं। पहला हमारे पास है जनरल पर्पस, दिस टेबल प्रेजेंट्स द डेटा इन टैबुलेटेड फॉर्म फॉर जनरल यूज। जनरल पर्पस टेबल, जैसा नाम वैसा काम, हमारे पास जनरली एक टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो सेंसस में, सेंसस में जो टेबल होते हैं वो क्या है, जनरल पर्पस, ठीक है, ओके। उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस हम जनरली किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस। यहां से आपको याद रखना है, जनरल पर्पस को हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम वहां से रेफरेंस लेते हैं, और अगर हमें कुछ और चीज बनाना होगा, हमें कोई स्पेसिफिक टेबल बनाना है या डेटा कुछ लेना है, तो हम वहीं से लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम रेफरेंस टेबल या रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं, ठीक। और जो हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस टेबल है, ये हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रिपेयर किया, तो ये क्या होगा, ये बहुत छोटे टेबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम समरी टेबल्स भी कहते हैं, ठीक। फिर प्राइमरी टेबल और ओरिजिनल टेबल, इसमें क्या होता है, जैसा हमने डेटा कलेक्ट किया उसी हिसाब से हमने उसको प्रेजेंट किया, यानी कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, तो वो हो गया हमारे पास ओरिजिनल टेबल। देन डेराइव्ड टेबल, डेराइव्ड टेबल में हम क्या करते हैं, इज द टेबल इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डेराइव टेबल। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता चल चुका होगा, ए ऑप्शन यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर कंपैरिजन एंड कंप्यूटेशन इज, नाउ सबसे बेस्ट
कौन सा मोड है जिससे हम डेटा को प्रेजेंट करें, फिर हम उसको कंपैरिजन भी करें एंड कंप्यूटेशन भी करें, ठीक है। कितनी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन फॉर कंपैरिजन, एक हमारे पास कंपैरिजन एंड साथ में कंप्यूटेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो बेस्ट मोड है वो हमारे पास टेबल है। अगर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना होता ना, फिर हमारे पास डायग्राम ठीक थी, लेकिन हमें कंप्यूट भी करना है तो यहां से थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हमारे पास जो टेबल है वहां पे हमें बहुत सारा डेटा लिख के मिलेगा एज कंपेयर टू डायग्राम। नाउ यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो आए हैं जैसे पेपर में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह काम करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। यहां से आपने खुद टेस्ट होना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितना आपको ये प्रिपेयर है, कितना नहीं है। और एंड पे आपको जब ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट पे जरूर आप लिखना आपको इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले, कितने रॉन्ग, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ डैश डैश टू आर मोर कैरेक्टरिस्टिक आर शोन, कौन से टेबल में दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक दिखाए जाते हैं। यह हमारे पास हो गया स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे हमारे पास सिंपल टेबल, इसी को हम कहते हैं वन वे टेबल, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जाती है। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जाती है, टू भी हो सकता है या टू से ज्यादा, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल सर्व एज रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर अरेंज्ड फॉर इजी रेफरेंस। अभी मैंने इसी तरह का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, कौन से टेबल सर्व करते हैं एज रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे पास है जर्नल पर्पस टेबल, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पर्पस टेबल्स आर आल्सो नोन एज, देखो जितना मैंने आपको पढ़ाया वहीं से हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब स्पेशल पर्पस टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समरी टेबल भी कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एट्रीब्यूट पोजेसेस मोर देन टू कैटेगरीज विच कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन इट इज टर्म्ड एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को समझना है। पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहां से दूसरे नाम है उनको हम पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल आर टेम्पोरल आर टाइम सीरीज। यहां पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। फिर लोकेशन के बेसिस पे ज्योग्राफिकल डेटा या स्पेशल सीरीज, फिर क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा, दोनों एक ही हैं, फिर क्वांटिटेटिव आर ऑर्डिनल डेटा। नाउ अब आओ अब क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहां पे बात हो रही है एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटी में हमारे पास बाइनरी डेटा खत्म हो गया, उसके बाद जो हमारे पास इंटरनल डेटा ये भी खत्म हो गया। यहां पे नॉमिनल डेटा, कल मैंने आपको पढ़ाया था नॉमिनल स्केल, ठीक है। तो इसी तरह से नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। अब देखो अगर आपको कल का याद होगा तो नॉमिनल डेटा में हम क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन होता था वहां पे हमारे पास ऑप्शन होते थे, जैसे मेल इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते, यहां पे सिर्फ टैग की बात होती थी, ठीक है। कोई भी नंबर होता था वो नॉन न्यूमेरिक होता था, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा, तो ऑर्डिनल डेटा मैंने आपको पढ़ाया था, ऑर्डिनल डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने आपको बोला था कि आप कार सर्विस में वहां पे आप फीडबैक देते हो, तो उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, अच्छी दी या उससे बुरी या उससे बुरी, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही वैसे आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश आर द डेजिग्नेशन ऑफ रोज आर रो हेडिंग, ये क्वेश्चन अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पीछे किया। अब ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि ये जेएसए एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने रिपीट किया ताकि आपको पता चले एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपको क्रोनोलॉजी समझ आ चुकी है तो आप यहां पे भी क्रोनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के, देखो यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को यहां पे इकट्ठा लिया लिखा, एंड आपको इन दोनों के आंसर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, और एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, आंसर जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में आपके आंसर देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डैश शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द कॉलम, बताओ मिडल ऑफ द कॉलम में हम क्या डिफाइन करते हैं, कॉलम की बात हो रही है तो यानी यहां पे ये हमारे पास मिडल ऑफ द कॉलम है, हेड नोट है नहीं, हेड नोट हम ऊपर में लिखते हैं, फुट नोट नहीं, सोर्स डेटा नहीं, तो यहां पे हमारे पास कैप्शन, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट क्रोनोलॉजिकल, अगर क्रोनोलॉजिकल नहीं है तब डेटा क्या हो सकता है, क्या टाइम सीरीज हो सकता है, नहीं, टाइम सीरीज तो क्रोनोलॉजिकल दोनों तो एक ही बात है ना, फिर यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट ये तो क्लासिफिकेशन हो गई ना, यानी एक कॉलम बनेगा या दो बनेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा क्रॉस सेक्शनल, यानी जहां पे हम डेटा को टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ओके नहीं करते हैं, ओके, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डैश डैश इज नीडेड दे आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ टेबल, तो बताओ जो हमारे पास टेबल है इसके नीचे पे क्या लिखा जाता है, यहां पे फुटनोट, ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली, अगर आप चाहते हो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली लिखो तो कौन सा टेबल बनाओगे, वन वे में तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक आएगा, टू वे में टू कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, स्पेशल पर्पस तो है ही नहीं, ठीक है, यहां पे हमारे पास आएगा हायर ऑर्डर टेबल, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश आर द डेजिग्नेशन ऑफ द रो आर रो हेडिंग, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, रो हेडिंग को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा कॉमन सेंस इज द डैश डैश, देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो ये आपके लिए भी मैटर करेगी, अगर आपने कॉमन सेंस वहां पे नहीं रखी, जिस तरह से इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन गलत हुआ ना यार, जब आप टैबुलेशन करो कंपाइलेशन करो कुछ भी करो लाइफ में, आप टेबल के अलावा कुछ भी करो ना, वहां पे कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी क्या है, चीफ रिक्विजिट है, ओके, तो इस तरह से आप प्लीज क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, देखो कौन सा क्वेश्चन इसने चूज किया है, पता नहीं उसके माइंड में क्या आ रहा था, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल टेबल इज आल्सो नोन एज, तो बताओ फटाफट से, सिंपल टेबल को हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वन वे टेबल, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू, आपके लिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, इफ एनी क्वालिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस देन इट इज टर्म्ड एज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं बाइनरी डेटा, बाइनरी डेटा में क्या होता है, वन एंड जीरो, वन का मतलब हो गया ऑन एंड जीरो का मतलब हो गया ऑफ, ठीक है, यानी प्रेजेंस या अब्सेंस, ठीक है, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, बाइनरी डेटा, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग इन अ टेबल Which the reader may find difficult to understand from the title, captions and stubs should be explained in. यहां से मुझे एक आइडिया आया है, यहां से जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, वहां पे कभी कभार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी चीज बीच में डाल देता है जहां पे वो क्वेश्चन अक्सर बच्चों को गलत हो जाता है,
जब यहां से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए उनको बिल्कुल आप लाइटली मत लेना, क्योंकि आपको लगेगा ये इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखो, अगर आप इसको यहीं तक पढ़ते ना, अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल, इनको आप मतलब ऐसे इग्नोर कर देते। अच्छा ठीक है, जब हमें टाइटल अंडरस्टैंड नहीं आएगा हम क्या करेंगे, हम हेड नोट लिखेंगे। ठीक है, यानी टाइटल को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम हेड नोट लिखते हैं। लेकिन फिर अगर आप इनको भी पढ़ोगे, यानी कोई रीडर है उसको कैप्शन समझ नहीं आया, स्टेप स्टब समझ नहीं आया, यानी रो की हेडिंग के बारे में उसको पता नहीं चल रहा है, आपने कुछ यहाँ पे कुछ साइन इस तरह से इस्तेमाल किया है, वो क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो कहां पे आप करोगे, वो आप करोगे यहाँ पे फुट नोट पे। ठीक है, हेड नोट पे नहीं करोगे, बाकी में तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। सिर्फ यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो हेड नोट पे होते हैं या वो फुट नोट पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुट नोट, यानी यहाँ पे जो भी चीज रीडर्स को समझ नहीं आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड। नाउ जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेबुलेशन। सो हेयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज। इनमें से हमारे पास कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं टेबल के। नाउ टेबल नंबर भी टेबल के अंदर होता है, ये भी इसका कंपोनेंट होता है, टाइटल भी होता है और हेड नोट भी होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेबल। इनमें से हमारे पास कौन सी बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। जब हम टेबल को क्लासीफाई करते हैं तो क्या क्या बेस होती है, तो पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी क्लासीफाई द टेबल। सेकंड हमारे पास होता है कंस्ट्रक्शन, इसके बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं और ओरिजिनलिटी के बेस भी हम क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द रो ऑफ अ टेबल। इनमें से कौन से टाइटल होते हैं रो के। नाउ जो रो का टाइटल होता है उसको हम कहते हैं स्टब। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स टेबल में बी क्लासिफाइड एज। नाउ जो कॉम्प्लेक्स टेबल होता है उसको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं और वो पार्ट्स क्या होते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स टेबल को हम क्लासिफाई करते हैं डबल, ट्रेबल एंड मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो हियर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नाउ जो हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होती है, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ। नाउ जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ टेम्पोरल, तो वो किस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। नाउ फ्रेंड्स, वो होती है ऑन द बेस ऑफ टाइम। इसको सिंपल याद रखने का तरीका है टी फॉर टेम्पोरल एंड टी फॉर टाइम। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। नाउ टेबल किसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किसका रिजल्ट होते हैं। नाउ टेबल इज द रिजल्ट ऑफ टैबुलेशन। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ अ टेबल। नाउ जब एक टाइटल एक टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम क्या यूज करते हैं जिससे हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, तो उस वक्त हम यूज करते हैं हेड नोट। ओके, सो हियर हेड नोट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट। नाउ ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। नाउ जीरो किस लिए हम इंडिकेट करते हैं। नाउ जीरो इंडिकेट करते हैं हम क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल की क्वांटिटी कितनी है। ओके, जब हमारे पास जीरो क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, तो उस केस में हमारे पास जीरो का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे लिखते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, बट जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है उस केस में हम जीरो नहीं लिखते, उस केस में हम अनअवेलेबल डेटा लिखेंगे। जब डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो हमारे पास जो जीरो इंडिकेट करता है वो क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडिंग्स शुड जनरली बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। नाउ हेडिंग किस फॉर्म में लिखी जाती है। नाउ ज्यादातर हम हेडिंग जो जनरली लिखते हैं वो सिंगल लाइन में लिखते हैं, दैट इज सिंगुलर फॉर्म में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेफरेंस टेबल। इनमें से किस टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। नाउ
हमारे पास जो जनरल पर्पस टेबल होता है इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। ओके सॉरी यहाँ पे मुझे गलती हुई, यहाँ पे मैंने बेबल्स लिखा, यहाँ पे टेबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन स्पेशल क्लासिफिकेशन डैश डैश बिकम्स द क्लासिफाइंग फैक्टर। स्पेशल क्लासिफिकेशन में कौन सा हमारे पास क्लासिफाइंग फैक्टर रहता है? नाउ स्पेशल क्लासिफिकेशन में प्लेस, ओके जैसे स्टेट होगी, कंट्री होगी, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज होगा, ये हमारे पास क्लासिफाइंग फैक्टर रहता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इन टेबल डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोस देन प्रेजेंटेड। नाउ हमारे पास कौन से टेबल में सबसे पहले जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको पहले रेशियो में प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है? तो वो हमारे पास होता है डिराइव्ड टेबल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर अरेंज्ड। जब हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि क्वांटिटी एंड क्वालिटीज, ओके उसको हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगल फीचर्स, एक ही फीचर, ओके जिस तरह बॉयज एंड गर्ल्स, ये दो फीचर हो गए ना। जब हम स्टूडेंट्स, तो सिंगल एक फीचर आ गया, तो इसको जब हम टेबल के अंदर टैबुलेट करेंगे तो ये कौन सी क्वालिटीज, इस टेबल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फंक्शन डज द टैबुलेशन ओरिजिन स्पॉटिफाई। इनमें से हमारे पास जो टैबुलेशन है वो किसको स्पॉटिफाई करता है? नाउ टेबल में अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओके तो हमारे पास जो टैबुलेशन ओरिजिन स्पॉटिफाई करेगा वो करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज हम टेबल के अंदर इंटीजर्स लिखते हैं, ओके सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल द अनचेक्ड टर्म्स इज नोन एज। नाउ जिन टर्म को हम चेक नहीं करते, अनचेक्ड टर्म्स रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्राइम इंप्लीकेशंस। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, टैबुलेशन फॉर्म एक्सरसाइज। नाउ टैबुलेशन करता क्या है? टैबुलेशन क्या करता है? मैच करता है डेटा को, ओके सो हियर मैचिंग प्रोसेस साइकिल, ओके सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टेबल वेयर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड विद इंटर रिलेटेड फीचर्स। नाउ जब हम वेरिएबल्स को सब डिवाइड करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स हो गया, फिर स्टूडेंट्स को हम जब सब डिवाइड करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स में, इनके इंटरलेटेड फीचर्स हैं, ओके बिकॉज बोथ आर स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टू वे टेबल्स। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ टैबुलर प्रेजेंटेशन द समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आर डिफाइंड एज। नाउ जब हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन में जो समरी और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है वो नॉन ओवरलैपिंग है, मींस एक दूसरे की जगह नहीं ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जर्नल टेबल्स ऑफ डेटा। नाउ जो हमारे पास जर्नल टेबल है, जब हम उस डेटा को यूज करते हैं, शो द डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर, जब हम उस डेटा को एक ऑर्डरली, एक प्रॉपर मैनर में शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस टेबल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी टेबल्स। ओके रिपोजिटरी टेबल्स क्या होते हैं? जब हम जर्नल टेबल्स को, जो हमारे पास डेटा होता है जर्नल टेबल में, उसको हम एक ऑर्डरली, एक अच्छे तरीके से हम शो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोजिटरी टेबल्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।